नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम सत्यपथरे शुणा हारिवार कारण कौन। आज्ञा, हारिवार कारण कौन? जोर नारी बल ना हार हारिवार कारण बल ना हारी। आज्ञा, कथा नहीं, जोर जार मूलक तार। हाय, मु कौन कहबी? कहले दिजन जाक जदि बल काले लोक हारे। आज्ञा, केड़े केड़े मोटा मोटा लोक भी हारी जा, दुर्बल भी जीति जाऊँ। किंतु सुमन भाई राकेश भाई कहले जी काले बल ना हारी। दर्शक बंधु, सतरे जीवन जात्रार भी जदि आप सांसारिक बंधन भितर हो, जीवन यात्रा रे हो, आपण काठरु काको हारिबा पई तर कारण कौन? आपण भी ठीक आज चिंता करंतु हारिवार कारण कौन, निज चिंतन भितर आणंतु। आमे शेषरे कहिबु ना मझिरे भी कहिदबु हारिवार कारण सतरे कौन, काहेकि जानि से हारि जाए। बढ़िया कथाटे रहिछि, एई कथाटी सुनिबा पूर्वरु चालंतु ना आमे टिके सत्यपथर बाणी कि टिके मन पकेबा। हरी मन भाई कहीं की है आई पाई रे, मन भाई कहीं की है आई पाई, अरे मन भाई कहीं की है आई पाई रे, मन भाई कहीं की है आई पाई। जीवनटा चारि दिन, जीवनटा चारि दिन, जीवनटा चारि दिन, जीवनटा चारि गलाणी तीन दिन भाई रे, मन भाई कहीं की है उहाई पाई रे, मन भाई कहीं की है उहाई पाई। जेतिक समय बाकी अछि जीवन रे, मन अछि जीवन, बेल थाउ थाउ होई बासावधान, बेल थाउ थाउ होई बासावधान, सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ प्रभु मते, सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ प्रभु मते, कृपा कर भाव ग्राही रे, मन भाई काहे कि हे उहाई पाई रे, मन भाई काहे कि हे उहाई पाई रे, मन भाई काहे कि हे उहाई पाई। राजा सुरथ प्रजावत्सल धर्मपरायण न्यायवंत ब्राह्मण मानकु सम्मान देवा, प्रजा मानकु सुखरे रखिबा, अनेक किछि भल गुणर अधिकारी थिले। ये राजांक पाखरे जो मंत्री आउ सेनापति थिले, ए माने सबळे कंदे ओ देखौची गोटे आदर्श राजा, सबुबळे आज्ञा एई भितरे थांदि। तांकरी पाखापाखी गोटे शत्रुपक्षर राजा जेतेबेले आसे ना, ये मंत्री आउ सेनापति की भल भल जिनिष दबा नवा करिया, तांकु टिके माखन मारी तेल मारिबा। आउ तुम राजा केमती कौन कुह टिके ता विषय रे मुटे जाने। मु चाहूची तुम राज्यटा को जय करबी, जय कले ना मु तुम दिजन से केते टका वेतन दउचोनी, एति न मु डबल देबी। कुह केमिती कले हबो? कले आसुना दि आपण जेतेबेले मारियापाई जी मुख्य मुख्य योद्धा अच्छा आम तक पछु पकईदेन, आगे कम कम रखिदेव जे कि जान नए। जीरो बैटिंग रे माने जीरो बॉल रे जी आउट हम आम से आगे ठिया करदे, एकाथर नौटा आउट हो गोटे हेले सरला कौन आम सीना भल बैट्समैन को आगे ठिया कले सामना लोक बोलींग बाला डर सेमती पूरा बतईदे। ठीक से ही अनुसार भेदुआ नथिले शासन चोरी, एमाने शत्रुपक्षर राजा सहित भितरिया गुप्त संबंध रखिदेले। अधिक सेना अछंती सुरथंक पाखरे, से आसिले कहले मु युद्ध करबी। सुरथ कला तो पाखरे केतिकी सैन्य, मो संगे आसिबु युद्ध करबु, जानिचु मो पाखरे मो दम मो ताकत जानिचु, चालु युद्ध। मंत्री सेनापति एते सैन्य सबु नेकरी गले, युद्ध आज्ञा हला तांकर एक गुणा हेले सुरथंकर चारि गुणा सैन्य लगिले। किंतु जानिछंती ये चारि गुणा सैन्य जाक समस्ते हारिगले, राणी की बांधि नै गले, राजकुमार को बांधि नै गले। समते तले सुनिले जे मु हारिगली, कोचिन मु हारिवार कारण कौन?
अरे अल्प लोक मोर अधिक लोक को हरई देले मो हारिवार कारण कौन कारण कौन जानापी जो मंत्री सेनापति की डाकती सेनापति देखिले मंत्री देखिले आर जो दंभटा भांगी जाइए आर आंटा भांगी जाइए एवं जा शत्रुपक्ष पाखे ठियागले बुझिपारा हारिवार कारण आज्ञा निजर लोक जोबले शत्रु सहित हाथ मिले दिंती हारिवाटा सुनिश्चित दुर्बल हेले खाली हेनी सेपटे ठिया एबे ये मंत्री आ सेनापति कहले धर से सुरथ को मार देखु राजा सुरथ जेहेतु सत्यपथर जात्री सीए जेहेतु से सत्यपथर चलुले सत्कर्म करुले ब्राह्मण द्विज मानक सम्मान दौले प्रजा मानक भल पाते भितर धर्मपरायण थिला सीधा देखिले गोटे भल घोड़ा ठिया धड़िकी उठिले से घोड़ा पर बसिले घोड़ा को चलेले कहे चाल जुआ आखि पाइब सियाड़े पलेबा मत आगे बंचार अच्छे घोड़ा चलुच आगे आगे मत आगे बंचार अच्छी मो राज्य को देखी मुझे एवं न बंचवी ये सबकि एपट सेपट हो मत विश्वास कर मोर प्रजा मैंने हारिजे तर तर हो घोड़ा पर बसगले रेस घोड़ा चलकर पछे पछे दौड़ घोड़ा जुआड़े पाई सियाड़े एकदम नहींक्र गोटे जंगलिया रास्ता को पड़ेगा पछ को टे अन ओहो कहीं आओ आसुना किंतु मु करी कौन से जंगल ठिया भाविले मु हारिली कहीं मो निज लोक मत हरईदे मुझे विश्वास करदेली से विश्वास मुझे हारीगली मो हार कारण कौन से जंगल बड़ पाटे कौन मो हार कारण कौन जोबले एति भाई से भगवान कहीना मोर बता मोर मिता से करे जगत पवित्र सी किए ना साधु संत महात्मा मुनि ऋषि आरी भितर मुसी था लोक दिग्दर्शन दे हठात देखीदे एक आश्रम रे नजर पड़गला कहली ये कहा आश्रम मने पड़गला मुझे जीवि मु कौन करी मुमि बची मुना बचिले मो प्रजा मैंने का मत दुख गुहारी करे मुना बचिले मोर पत्नी मोर पुत्र मो पाख को फेरी आसवे हेले बची कौटी राजा पूरा मो पचर पड़ जाइंट आउ मंत्री आउ सेनापति पूरा जानी जाए मत जाणी जा जीवी हठात आखिरे पड़ा गोटी आश्रम से आश्रम टी हूँ मेधा ऋषि कहले जा हो साधु संत महात्मा सब बड़े अन्यर उपकार करती ए मेधा ऋषि आश्रम को जीवी चिंता कौन कले तापस मेधा बंत सुमेधा ऋषि बर एठारु त्रिजोजने से करी अच्छा घर जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ ताकर उत्तम से आश्रम को जीवी विश्राम करीण तही श्रम जाईवी जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहले जो आश्रम टी देखा जाउची सुमेधा ऋषि आश्रमटा मुझे से आश्रम को जी से आश्रम को जाई मुझे श्रम अच्छी मुझे क्लांत अच्छी मुझे मन भितर जो छटपट होची पीड़ा अच्छी
याकु मु सेठी ए पीड़ा को सब हजेई देबी मु तांकरी आगे खोलिकी सब कहीदेवी। ए चिंता करी घोड़ा छुटेले जाइकिरी पहुँची गले से आश्रम रे। अरे शरीर भितरे शरीर मन उभय आज पीड़ाग्रस्त हो जाइछन्ते। जेतले सुमेधा ऋषि बाहर को आसिले ये भीतर को चली गले जाई पाद तले पड़िकिरी भो भो होकरी कांदिले। ऋषि टिके उठेले हे बाबा ए वत्स किए तुम्हें कहीं कांदुच कौन है तुमर। जितेबले दर्शक बंधु दुख थाए स्नेह बड़ा कथा पदे हृदयर अंतर्निहित भाव को सी स्पर्श कर दिए अंतर को स्पर्श करदे से चक्षु भितर थिबा सुप्त होइथिबा अश्रु गुड़िक धार धार हो गंगा जमुना भली आखिरु बाहर को बाहरी आसन। आज सुमेधा ऋषि कई पद कथा राजा सुरथंक भितरे उद्वेलित करुथिबा से भाव को आज परिप्रकाश करिछि। लुअरे कांदी कांदी तांको पाद तले लोटी पड़िछन्ती। ऋषि पचारिछन्ती हे वत्स्य किए तुम्हें काई के कांदुचो दुखर कारण कौन तो मते कुह। गोटी गोटी करी वृत्तांत कहले मु होछि राजा सुरथ सत्य पथरे चालुथिली सतकर्म करुथिली प्रजा प्रजा मानुकु भल पाउथिली समस्तंकु विश्वास करिथिली। आज मु हारी गली। मो हारिवार कारण कौन जानिचंती मोरी मंत्री सेनापति मोर शत्रुपक्ष सहित जाई ठिया होगले। आपण कहतु ना बहुत सेना थिले तथापि मु हारिगली बर्तमान मु कौन करी। एबे टिके पिठी थापड़े देले सुमेधा ऋषि कहले अरे तुम्हें कहीं चिंता करुच मोर एते तपशक्ति अच्छी मो तपशक्ति बल आ भितर को कौन सी भी शत्रु प्रवेश करना निश्चिंत मो आश्रम भितर रही पार जीए शत्रु वैरी मनोवृत्ति रखिकी मो आश्रम भितर को आस मो तपशक्ति बाटर अटक किंतु राजा ता पूर्व मोर किसी नियम अच्छी कहली कौन नियम ना तुम्हें मो आश्रम केमिष भक्षण करना कहले आज्ञा जिते दिन पार राज्य पाइन से पर्यटन ये थी किंतु आमिष भक्षण करना कहले आज्ञा ना आश्रम जीवन अतिवाहित कर फलमूल खाइब आश्रम जमी समस्त खाऊ आश्रम नियम को केवे उल्लंघन करना। राजा मानि ने कहले आज्ञा मु आपण कथा मोर शिरोधार्य। एबे ऋषि गले यज्ञ कले चाहिचंदे राजा सुरथ आश्रमर वातावरण को तन्न तन्न करके देखुचंदी केति मनोरम ए आश्रम अच्छी जोटी दुखर लेश मात्र नहीं। ये ऋषि इटी तपस्या करुचंदी इटी यज्ञ करुचंदी मन केते शांत शीतल लगुच ये जीवन बहुत भल किंतु मु धन दौलत पछरे लागी हेले जहाँ को जेमिति भगवान रखी चिंता करी करी से दिन रातिटा पाई जाई पर दिन सका जिते सुरथ उठिले देखले आश्रम किछि दूर रे गोटे बड़ वृक्षटे अच्छे भारी से गच्छमूल भल लगुच माने से गच्छ को अने आपणार अपणार लगुच। राजा सुरथ गले से गच्छमूले जाकि सोई पड़िले। विगत हजिला दिन से अतीत को टी साउटिकी मन पकाउं हाय मु हारिबार कारण कौन मो मंत्री मो सेनापति मु जहाँ को कटुआल जहाँ को भी विश्वास करी मो विश्वास विष देदेले मो शत्रुपक्ष सांगे ठिया है आउ मो राणी मु तो राजा हिसाब से मोर पत्नी सी ताकू रक्षा करिया मोर धर्म थिला किंतु हारी जीवा राजार तार स्त्री पिला सुरक्षा दबार भी अधिकार नथिला। शत्रुपक्ष माने बांधि नहीं गले अनेक कथा सोई सोई ये आखिर लेंस भितरे क्यमेरा भली गोटे को गोटे रिल तांको आखि आगे नाची उठुची
दिन थिला मु केते बढ़िया करी थी कहीं से राज उवास कहीं वृक्षर तल हठात इन भावना राइज से बुड़ी जाइछंदी। समय रे तंको पाखरे केही जने ठिया हबार छाई तांकु देखा गला। राजा टिके अनैले, अरे कुटी लोकटा जी मो पाखरे ठिया हेछि मु जानी पाले नी भाबो भाबो ताकु देखी दे। राजा पचारिले कौन बजाले ताकु देखी राजा जे बसाई पाखरे पचारिले किए तुम्बे कह मोते खरे राजा सुरथ एति पचारिदेले पाखरे टे बसइले भाई कहीं ठिया है बसुन टे सी टे बसापी चेष्टा कर तमें कड़े तुम घर कौटी कड़े आईच ये कहीं ठिया है तुम मन कहीं दुख देखा कौन पाई मन विषाद देखुं मो पाख को आउ जड़े आसीच मन भी विषाद अच्छी सी भी जड़े पुरुष लोक जेतेबले स्नेह बोलारे दीपद कथा ताकू बजा दे भाई तुम मन भी कहीं दुखी सिना दुखर कथा मन बुझीपे बुझीपाल ना ना भाई तुम मन भी कौन मो भाया दुखी अच्छी कि तुम्हें किए कड़े आसीच तुम घर कौटी ये आज्ञा दर्शक बंधु शास्त्र में लिखाई आमर मित्रता जानापी सत पद कथार आपण मित्र को चिन्ह पारे देवी भागवत कह सत पद कथा जड़े कह तुम सांगे तारी भर जापर ये भल लोकटी ना खल लोकटी ये मित्र ना शत्रु आपण भाभी सारे कहले आजिकल आज्ञा एत कथा कहीदे लोक छपर एत चिकिणिया कथ कह भितर शत्रुता करज्ञा चिन्हबारे आपणकर भूल अच्छी जहाँ आमर देवी भागवत कहते कि सात पद कथारु मित्रता जानिहब आज जी आसी सीए देखिले अरे हे लगुच ये बोधे मोर मित्र हब आज्ञा ये सात पद कथा कौन माने कथा वार्ता रे पदे दि पद तीन पद चार पद पांच पद छ पद सात पद आज्ञा सात पद कथा हला बळ को जणा पड़ब तुम घर कौटी तुम बापा ना कौन तुम कौटू आस ये जो सात पद कथा हेले यही सात पद भितर मित्रता चिन्ह हम जड़े आगे इटि कहीं सियाड़ जा सला से मित्र नु है कथा भितर अच्छी मित्रता केमी चिन्ह यही कथा कहीकि कहीदेले कहले भाई घर मत भारी कर दे कहले कहीं ना कौन कह मुझे जड़े वैश्य मो ना हूँ समाधि आ मोर पु मो स्त्री धन सब छड़े नहीं मत घर आरी करदे ये राजा सुरथ कहले ओहो मोर मंत्री आ सेनापति मत बाहरी करदे तुमको तुम स्त्री पु बाहरी करदे बा बेनी जने समदशा कहले बेनी जने तो समदशा भाई रे मित्र तार हाथ बड़ो ना आम दिज टे मित्र हवा कहले हाँ आम दिज मित्र होती रहा दिजन से गच्छ मूले बसिले कहले भाई हारिवार कारण कौन ना जितेबले निजर लोकटे शत्रु आज्ञा हो जाती मनीष हारी जाए तेणु ताले कौन आम आज जितबानी कह रही था मु तुमको लेकर जीवि ये मेधा ऋषि ये जो अच्छा ता से सुमेधा ऋषि पाखक जीवा मु तुम गोटी गोटी कथा कहबी
ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ବତେଇବେ। କାହିଁକି ନା ହାରିଯାଉଥିବା ଲୋକଟି କୁଟାକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ବି ତାର ସେ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ କୁଟାକ୍ଷକୁ। କହିକିରି ଉଭେ ଯିବା ପାଇଁ ମନତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମନ ଦୁଃଖ। ରାଜା ସୁରତ କହିଲେ ଏଇ ଭାଇ କାହିଁ ଦୁଃଖ, କାହିଁ ମନ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଧି କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନ ପଡ଼ୁଛି। ସୁରଥ କହିଲେ ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ ଘରୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ। ରାଜା ସୁରଥ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମିତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ସେ ଅହିତ କରାଇ, ସେହି ତକି କହିବି ମୁଁ ଇଆଇ ପରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ତୁ ଚିତ ସ୍ଥିର କର ବୈଶ୍ୟନର, ମନୋହର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କହିଲେ ହେଇ ଯୋଉ ମିତ୍ର, ଯେ ମିତ୍ର ହେଇକିରି ଅହିତ କରାଇ, ସେ ଭଳିଆ ମିତ୍ର ହେଉଛି ଅହିପରି, ସେ ହେଉଛି ସାପ ପରି। ମୁଁ ତ କହିବି ଇଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି, ହେ ବୈଶ୍ୱନର ହେ ବୈଶ୍ୱବର, ସେମାନଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବିହାର କର, ମୋ ସହିତ ମିତ୍ରତା କର, ଏ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଟିକେ ଅତିବାହିତ କର, ପୁରା ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଥିବା କେତେ ନଥିବା କେତେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସମାଧି ଥିଲା, ସମାଧି କହିଲେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୁମର ମୋର ମିତ୍ର ହେଲ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି, କିଏ କନ୍ୟା କିଏ ବର, କାହା ପାଖରେ କିଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ପତ୍ନୀ ପଡ଼ୁ କି ଭଲ ପତ୍ନୀ ପଡ଼ୁ, ଖରାପ ପୁଅ ପଡ଼ୁ କି ଭଲ ପୁଅ ପଡ଼ୁ, କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ମୋର କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାଟା ମୋତେ କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିବ, ମୋ କଥା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। ଏବେ ସୁରଥ ବୁଝେଇକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ ହାରିଯାଏ। ଆମେ ଖାଲି ବଳ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ହଁ ବଳ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ମିତ୍ର ମିଶିଗଲେ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଅନ୍ତରର ଗୁପ୍ତ ଥିବା କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।